सिटी डिस्ट्रिक्ट के जानिब से जो मुनाकिद किया हुआ ये पार्टी कन्वेंशन का स्टेट पर तशरीफ फरमा सदर जलसा रफतुल्ला खान साहब, डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट एस स्वामी साहब, स्टेट वाइस प्रेसिडेंट देवरूप धर्मंजय सर, स्टेट जनरल सेक्रेटरी डी आर भास्कर प्रसाद सर, स्टेट कमेटी मेंबर मौलाना नूरुद्दीन साहब अमजद भाई, जनरल सेक्रेटरी शफी भाई मौलाना अकरम साहब, अब जो जितने भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के लीडर्स और मेरे सामने बैठे हुए भाइयों बुजुर्गों दोस्तों माँ बहनों और मुअज्जिज साथियों, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया इस पार्टी आपकी पार्टी है, अवाम की पार्टी है। ये किसी बाप बेटे का पार्टी नहीं, किसी माँ बेटा का पार्टी भी नहीं है। ये पार्टी किसका है? आपका। दूसरे पार्टी का जैसे नहीं। अभी जेडीएस का नेशनल प्रेसिडेंट कौन है? देवेगौड़ा। स्टेट प्रेसिडेंट कुमार स्वामी बेटा, यूथ प्रेसिडेंट निखिल, और जो बच्चों का प्रेसिडेंट अभी निखिल का बेटा आ जाएगा। ये ऐसा पार्टी नहीं है, ये क्या है? ये अवाम की पार्टी है, आपकी पार्टी। तो आपकी पार्टी और अवाम की पार्टी रहने की वजह से आपका हमारा जिम्मेदारी ये बनती है, ये पार्टी क्या काम कर रही है अवाम के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों आदिवासी पिछड़े तबके के लिए क्या क्या कार्रवाई कर रहा है, क्या क्या कारगुजारी कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है, ये आपको बताना हमारा जिम्मेदारी है। तो इसलिए हर चार महीने को एक बार हमें पार्टी कन्वेंशन बुलाकर हमारे जितने भी वेलविशर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, चाहने वाले हैं, उनको सबको बुलाकर हमारा चार पांच महीने का क्या कारगुजारी है आपका सामने रखते हैं। क्या क्या नेशनल लेवल में पार्टी क्या क्या करी, स्टेट लेवल में पार्टी क्या क्या करी, हरियाणा में जो माइनॉरिटी के साथ जो जुल्म हुआ, हमारे एक नौजवान ने उलमा को खतरे आम किए, कोई कांग्रेस का लीडर उधर नहीं गया, हमारे नेशनल टीम जाके उधर उन सब वो जो मजलूमों के साथ रह के उनको क्या क्या मदद करना है वो हम करें, मणिपुर में जो क्रिश्चियनों के ऊपर जो हमला हो रहा है उसको करें, यानी कि पूरे मुल्क में हो, स्टेट में हो, हर नाइंसाफी का खिलाफ मजलूमों के साथ कभी भी हम कड़े हैं, आइंदा और भी हम कड़े रहेंगे। कोई आए या ना आए, कोई साथ दिए ना साथ दिए, हमारी आवाज हम बुलंद करते ही रहेंगे, हम मजलूमों के साथ कड़े रहेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि यह हम जिम्मेदारी है, ये अवाम की पार्टी है। 14 साल से ये जो सिस्टम हम बना के आए हैं, क्योंकि आवाम की पार्टी रहने की वजह से आवाम के साथ मिलजुल कर काम करना। हमारे पास कोई एमएलए कोई एमपी नहीं रहेगा आज का डेट में, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम इत्मीनान है, हम कभी भी एक ऑपोजिशन पार्टी का जैसा हर वो नाइंसाफी को, हर वो जुल्म को लोगों को बताते हुए, अवेयर करते हुए, उनका साथ, उनको हक दिलाने का, उनको इंसाफ दिलाने का काम कर एक ऑपोजिशन पार्टी। जो टिप्पू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का गुंबज में इतना बेहुर्मती किया गया, एक नंगानाश किया गया, उधर उसको हिफाजत करने का एक कमेटी की रहने के बावजूद भी उतना बड़ा गलती वहां के कमेटी, वहां का जिम्मेदार जो करकर, वो आज बड़ी चर्चा नहीं है। आज कौन सी चर्चा है हमें पूछे ना, मैं पूछा, उलेमा हमारे मौलाना हाफिज साहब बयान करे, नूरुद्दीन बयान करे, वो चर्चा अब क्या, कहीं को पूछे तुम्हें मिलाद के दिन इंच कहीं को पूछे, अरे मिलाद का दिन हुआ तो क्या, कौन सी दिन हुआ था ना, पूछने के वास्ते
जो बेहुर्मती करे, क्या क्या की सफाई दे रही आज, सफाई क्या क्या की दे रही। हालांकि वो जो जो लेटर में साफ साफ लिखा है, जो परमिशन दिया गया आपको दिए होंगे, क्योंकि वो जो लेटर आया, मैंने जमीर अहमद साहब को कंप्लेन किया था। जमीर अहमद साहब को कंप्लेन करने के बाद उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखे, यानी वक्फ बोर्ड को लेटर लिखे, वक्फ बोर्ड से उनको लेटर लिखे, जो सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। उसके बाद वो लेटर जो बाहर आया, वो मई कंप्लेन करने के बाद, मई जमीर अहमद साहब को कंप्लेन करने के बाद ये पूरा कार्रवाई होकर वो अभी आया। उसमें साफ साफ क्या लिखा है, रिलीजियस मान के रिलीजियस बिलीव्स को हर्ट नहीं होना, ऐसा काम नहीं करना बोलकर, उसके बावजूद भी होकर है, और वहां का सीडी देना, ये सब है। मैं एक बात क्यों बता रहा हूं, हमें नाहक के खिलाफ इंसान नाइंसाफी के खिलाफ बात करें तो वो गलत, उसके ऊपर चर्चा, जो इतना बड़ा गलती करे उनके बारे में कोई बार कोई लोग पूछने वाले नहीं है। ये हालात है, ये वो डिस्ट्रिक्ट का हो, स्टेट का हो, देश का हो। तो ऐसी माहौल में एसडीपीए जैसा पार्टी रहना, आगे बढ़ना, उसको मजबूत करना हम तमाम लोगों का जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टी जो है, आने वाले हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, हमारे नस्लों का मुस्तकबिल है, हमारा बच्चों की भविष्य है ये पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। क्योंकि कोई हमारे नहीं है, ये 76 इयर्स में तमाम लोगों को हम देख लिए, कौन हमारा साथ है, कौन हमारा साथ नहीं। हमारे दुख में, हमारे दर्द में, जब हमारा ऊपर नाइंसाफी होता है, तब कोई नहीं। अब कर्नाटका हुकूमत को आने से पहले क्या बोलते थे, एक बार हुकूमत बदला तो अच्छा है, सब अच्छा होगा, सब ठीक ठाक होगा। आज कांग्रेस का हुकूमत है, और कांग्रेस का सेंट्रल वर्किंग कमिटी पैलेस्टीन का फेवर में स्टेटमेंट दिया, कर गया राहुल गांधी, हो गया। उसके बाद कांग्रेस का लीडर्स और तमाम इंडिया अलायंस का लीडर्स पैलेस्टीन का एम्बेसी को जाकर उधर उनको पैलेस्टीन को सॉलिडारिटी डिक्लेयर करें, पैलेस्टीन एम्बेसी को जाकर, समझ में आ रहा, ये करें। सेंट्रल हुकूमत फांको फूड मेडिसिन ये सब पैलेस्टीन को भेजा, एक साइड से इसराइल को सपोर्ट करके भी बोल रहे, बस का सब पता है। ये सब रहने के बावजूद कर्नाटका का हुकूमत हमना प्रोटेस्ट करने, सॉलिडारिटी करने का इजाजत नहीं दिया, समझो, हमने इजाजत नहीं दिया। पूरे 30 डिस्ट्रिक्टों में हम लोग अर्जी डाले, देखेंगे इनका क्या रवैया रहता है, 30 डिस्ट्रिक्टों में भी हमना इजाजत नहीं है। एक बीजापुर का एक तहसीलदार लिखता है, आज जो प्रोटेस्ट कर रही है वो इंडिया का जो स्टैंड का खिलाफ है, करको भी लिख डालिया। एक तरफ कांग्रेस तुम्हें सपोर्ट करती, तुम्हें पैलेस्टीन एम्बेसी को जाती, उनका सॉलिडारिटी को हम सब प्रोटेस्ट करते हैं, बोले तो हमने इजाजत नहीं देते। उसके बावजूद भी गुलबर्गा में आप देखे होंगे, हम हमारे नौजवान प्रोटेस्ट करे, हमारे वहां का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी को पुलिस अरेस्ट करे, जे के केस डाले, तुम्हें कितने भी केस डालो, हमें डरने वाले नहीं है। हमें एक इज्जत दे रही, तुम ना कानून को एक इज्जत देखो, हम यहां भी वैसा एप्लीकेशन डाले थे, दसरा रहने की वजह से हम लोग एक अमन रंदे करके बोल रहा, क्या भी हमें भी एक रेस्पेक्ट देना बोलकर दसरा तक हम वेट करें, इंशाल्लाह जरूर हम लोग एक प्रोटेस्ट हम ऐलान करेंगे। मैं बताना यह चाहता हूं, कोई भी हुकूमत आए तो भी हमारा ऊपर एक छोटा सा, तो इसलिए हर नाइंसाफी को पूछने वाले होना। अभी भास्कर प्रसाद सर 2B रिजर्वेशन के बारे में बताए, बीजेपी का हुकूमत 2B रिजर्वेशन को निकाल डाला, निकाल कर 4 महीना हो गया, 4.5 महीना हो गया। जब निकाले उस दिन कांग्रेस को उसको खिलाफ बोला, सिद्धरामैया जी, डीके शिवकुमार, जितने भी लोग, ये नाइंसाफी हो गया मुसलमानों के खिलाफ, आज उनका हुकूमत। उस दिन
मार्च 27 मुझे अगर याद डेट याद है तो डीके शिवकुमार एक स्टेटमेंट देते हैं आज का डिप्टी स्पीकर, ये जो नाइंसाफी हो करे मुसलमानों के साथ, हम हुकूमत में आए तो सेम डे फर्स्ट डे हम लोग इसको रेस्टोर करेंगे। कौन बोले? डीसीएम बोले उस टाइम का प्रेसिडेंट। सेम डे कांग्रेस हुकूमत आए तो सेम डे हम लोग टू बी रिजर्वेशन को जो बीजेपी निकाला था उसको हम लोग रेस्टोर करेंगे। साढ़े चार महीना हो गया, 10 से ज्यादा कैबिनेट मीटिंग हो गया, एक कैबिनेट मीटिंग में भी एजेंडा नहीं आया। 9 मुसलमान एमएलए हैं, 2 मिनिस्टर भी हैं, कई को हैं मालूम है। जो उलमा, जो जिम्मेदार हजरत गली गली जाको आठवां बेच को क्या क्या की कर को, कभी एसटीपी को वोट डालना को बीजेपी आते नहीं, सब को वोट डालाने भी कौन सी भी पूछ रही क्या जाको, कौन सी भी आवाज उठा रही क्या, हमारा हक जो छीना गया, हमारे 300 से ज्यादा नौजवान आज यूएपीए के तहत जेल में है, जो हुबली के 158 लोग जेल में है, यूएपीए लगा रहे सिर्फ और सिर्फ एक राउंड के लिए, ये नाइंसाफी को कौन पूछ रही, कोई भी पूछने वाले में, यानी कि इस देश में दलित आदिवासी पिछड़े तबके जो लोग जो भी हैं उनको पूछने वाले कौन भी नहीं। कैसा देखो, अभी भास्कर प्रसाद बताए आपको मालूम होगा होगा, जो देवल में जो पूजा करते हैं अर्चक जो लोग उनको 2 लाख रुपए देते, 2 लाख रुपए उनको देते, क्या हर दिन जो लेबर्स है मुश्किल में है काम करती उनका वास्ते क्या है, यानी कि कोई भी हुकूमत किसका तरफ है। और ब्राह्मण के लिए जो 10% रिजर्वेशन दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 3% है कर्नाटक में, ब्राह्मण मुदलियार वैश्य 3% लोगों को 10% रिजर्वेशन मिल रहा है यहां, ये ना इंसाफी को पूछने वाले भी नहीं करने वाले भी नहीं। ये तमाम जो हो रहा है ये रोकना, और जो भी हमारे कानून है, हमारा डेमोक्रेसी है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वैल्यूज है, ये सही तरीके से चलना, इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये जद्दोजहद हम कर लेकर। तो अब महसूस हो रहा है पार्टी का जरूरत क्या, क्योंकि आने वाले दिन में और जुल्म और नाइंसाफी बढ़ता रहेगा, उस टाइम में पूछने वाले रोकने वाले करने वाले रहना। अब होस्पेट में एक मुसलमान नौजवान पैलेस्टीन के बारे में एक स्टेटस डाले, खाली स्टेटस, पुलिस उसको अरेस्ट करके गई, इमीडिएटली हमारा स्टेट कमेटी मेंबर रियाज साहब उसको ट्वीट करे, क्या भाई पैलेस्टीन का फेवर में एक स्टेटस डालना है, गुनाह है क्या, क्यों अरेस्ट करे इमीडिएट, क्या हुए डीजीपी को सबको होम मिनिस्टर को टैग करके डाले, इमीडिएट स्टेशन से फोन रियाज में, रियाज अवर याके ट्वीट मारी दो, ना ईगा बिटबिट भी अवरना अरेस्ट करकोन बंदिद्वी अवरना बिटबिट, यानी एसटीपी का एक ट्वीट उतना स्ट्रांग रहता है, एक ट्वीट भी उतना स्ट्रांग रहता है। तो एसटीपी जो है 24x7 365 डेज इस मुल्क में क्या हो रहा है, इस स्टेट में क्या हो रहा है, इस गली में क्या हो रहा है, इसको नजर रखती है, इसको नजर रखती है और हमारा आवाज बुलंद करती। इलेक्शन के दरमियान एक लीडर, एक कांग्रेस का एक मुस्लिम लीडर मिले थे हमने, हमारे सपोर्ट पूछ के आए थे, जब उन्होंने एक बात बोले, मंगलोर में मंगलोर नॉर्थ बोलकर एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, नॉर्मली उधर मुसलमानों को टिकट देता है कांग्रेस, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में चंद लोग जाकर डीके शिवकुमार साहब को कंप्लेंट करेगा थे, ये जो नॉर्थ का टिकट है मुसलमान दो दो जने तीन तीन जने लड़ लेकर हैं, बेहतर कुछ बिल्लवा को दे डालो, ये चुपके मुसलमान लड़ ले रहती है, बोलो तो बुनो बोले कहते खाली छोटे छोटे बात उनको छोड़ते नहीं, वहां क्या कर मैं बिल्लवा को छोड़ डाल को टिकट दे तो हमारे एसटीपी वाले छोड़ते क्या, मुझे माना अराजक करता रहे, बोले ना अभी भास्कर प्रसाद
ये एसटीपी जैसा 14 साल का एक पार्टी के बारे में नरेंद्र मोदी भी बात करता है, अमित शाह भी बात करता है, तो समझो इस पार्टी का ताकत। फख्र महसूस करो, फख्र महसूस करो। 14 साल से इस पार्टी, देखो मैं बहुत बार ये बात करता हूं, बहुत बार हर जगह में ये बात बोलता हूं, 14 साल एक पॉलिटिकल पार्टी चलाना उतना आसान काम नहीं है। कैसे कैसे कर्नाटक का पॉलिटिकल हिस्ट्री देखे तो कैसे कैसे लोग पार्टी बनाए, इधर गुंडूराव एक मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक पार्टी बनाए, एस बंगारप्पा मुख्यमंत्री थे, अकरम साहब बेटे बुजुर्ग मालूम पूरे हिस्ट्री, बंगारप्पा क्रांति रंगा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, येडियुरप्पा एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, जनार्दन रेड्डी एक अभिहाय पार्टी, श्रीरामुलु एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए, हमारे सिद्धरामैया जी ने जब जेडीएस से निकाले हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए थे, क्या करो साहब एक पॉलिटिकल पार्टी बनाए तो शुरुआत में विजय मल्या किंग्स किंगफिशर का ओनर, किंग्स फिशर एयरलाइंस का, उन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी, बड़ा पोस्टर टाइकून, ऐसा बहुत सारे लोग कर्नाटका में पॉलिटिकल पार्टी बनाए। क्या ये पार्टी जितने भी पार्टी में गिना 5 साल से ज्यादा चलिया? कोई पार्टी 5 साल से ज्यादा चला नहीं सके। कौन थे वो चीफ मिनिस्टर, बड़े बड़े जात वाले, बड़े बड़े करोड़पतियां, पूरा सपोर्ट रहने के बावजूद भी 5 साल से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी चला नहीं सके। तो उसके बदले में एक एसडीपीआई 14 साल से कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी एक आइडियोलॉजी के साथ चल रहा है, तो फख्र महसूस करो, अपने आप को फख्र महसूस करो। कौन चला रही? कोई सीएम नहीं यहां बैठ को, एमएलए है कौन तू भी? कोई एमएलए नहीं है, कोई मिनिस्टर नहीं है, बड़े बड़े मालदारा नहीं है, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून नहीं। कौन है चलाने वाले? मच्छी बेचने वाले, ऑटो चलाने वाले, छोटा मोटा कारोबार करवाने वाले। एक हिस्सा सोना ना, ये बच्चे बच्चे कैसा चला रही पॉलिटिकल पार्टी, कितने मजबूत के साथ टक्कर बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को टक्कर देते हुए इस पार्टी चलाना ना, फख्र महसूस होना ना हमारा कौम को, मजलूमों को। तो ये पार्टी आज का और कल का हमारा मुस्तकबिल का जरूरत है, ये समझना। हम रहेंगे या मर जाएंगे, आने वाले हमारे मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म वो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। इससे बेहतरीन गिफ्ट, इससे बेहतरीन तोहफा तुम्हें हमारे हमारे मुस्तक हमारे नस्ल को नहीं दे सकते, इससे बेहतरीन ऐसा एक पार्टी है। इसको बचाना और मजबूत करना हमारा जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। भास्कर प्रसाद साहब बहुत दर्द के साथ यहां रखे, पूरे कर्नाटक के उलेमाएं को, जिम्मेदार हजरात को हाथ जोड़कर पांव पकड़ना एक बाकी है। बोले 224 सीट में 220 भी कांग्रेस जिता लेंगे, हमें एक 4 सीट भी एसडीपी को दियो, हर हम नाइंसाफी को हमें असेंबली में और बाहर हम क्वेश्चन करेंगे, हम पूछेंगे। मगर अफसोस, बहुत अफसोस, सुन नहीं सके। आज क्या हो रहा है, आज क्या हो रहा है, जिताए थे तुम्हें सब करे, क्या तुम्हें बराबर हुआ? बीफ बैन निकाले, हिजाब बैन निकाले, टू बी रिजर्वेशन निकाले, 40 को एक यूनिवर्सिटी में एक वाइस चांसलर नहीं है, 40 को एक यूनिवर्सिटी कर्नाटक में एक भी वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है। कौन पूछती है? उन्होंने कमाने में बिजी है भी, उन्होंने कमाने में बिजी है। नेक्स्ट बीबीएमपी का, कारपोरेशन का, जिला पंचायत तालुक पंचायत का टिकट बांटने में, टिकट भेजने में, किसको भेजे तो क्या कितना फायदा बोलकर बिजी है, समझ में? तो इसलिए भाइयों बुजुर्गों मां बहनों, इस पार्टी को मजबूत करना, आगे लेके जाना हमारा जिम्मेदारी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूं तमाम मैसूर के जितने भी हमारे आकर सपोर्टर्स हैं, 40 को 1000 वोट देकर है, उसके लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं, मेहनत कर लेकर है। 11 वार्ड में हमने 2000 से ज्यादा वोट देकर है, 2000 से ज्यादा 11 वार्ड में हमारे वोट देकर है। इंशाल्लाह ये बार कॉर्पोरेशन दिसंबर इलेक्शन दिसंबर में आने वाले हैं, इंशाल्लाह एमएलए को तो बीजेपी आ जाती है, बीजेपी आ जाती है बोलकर दिए नहीं, कम से कम हमारे 7-8 कॉर्पोरेटर तो जिताओ, हर नाइंसाफी का खिलाफ
जो भी हमारा तकलीफ हो रहा है, हाँ एक घर बनना बोले तो पैसा देना, क्या एक पाइपलाइन डाला बोले तो पैसा देना, क्या करना तो भी पैसा देना। ये हालात को बदलना नहीं क्या हमें, इसके वास्ते हमें जिताते हैं क्या? ये हालात को बदलना, सुधरना हमें। कम से कम मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एक बार तमाम हम लोग मिलके एक बार एक साथ तक हमारे अगर एसडीपी के कारपोरेटर को भेजे तो हक के लिए आवाज करेंगे, हर नाइंसाफी मिला, हर जो भी तकलीफ को मिला, हर जो भी स्कीम है तुम्हारा घरों तक पहुंचाने का कोशिश ये लोग करेंगे। आखिरी बात देखो, पार्टी चलना बोले तो सिर्फ अवाम कैडर रहे तो होता नहीं, और क्या होना, माल होना, माल होना, पैसा होना जरूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप तमाम शाम के खुशनसीब हूं, मैं आपको ऐलान करते हुए अल्हम्दुलिल्लाह एसटीपी आज कर्नाटक में 31 डिस्ट्रिक्ट में भी पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह, और हर केड़े केड़े में, हर गली गली में हम हमारा काम कर ले कर रहे, आइंदा दिन में और मजबूत करना, और हर जगह पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक हमें जाना। अब बताया रिपोर्ट में 6 पंचायत का हमारा हुकूमत है, उसमें 2 पंचायत में द बेस्ट गवर्नेंस अवार्ड मिलकर है, 2 पंचायत को 2 बार मिलकर है गांधी पुरस्कार जो अवार्ड जो है जो मिलकर है, जो एसटीपी जो हुकूमत चलाता है, हुकूमत सेंट्रल में कौन है, बीजेपी है, स्टेट में कौन है, पंचायत में एसडीपी को जो अवार्ड मिलता है, समझो हमारा काम कैसा रहेगा। तो ऐसा हर जगह होना है, तो इस पार्टी को मजबूत करना, तो हर साल हम 1 महीना हमारे पार्टी के लिए चंदा वसूल करते। तनवीर सेठ साहब बोलेंगे चंदे से चलने वाला पार्टी, हां मैं बोलता हूं चंदे से चलने वाला पार्टी है, कोई पार्टी बिना चंदे से चलता नहीं। आया कांग्रेस का कितना, 658 करोड़ कुछ, हर पार्टी चंदा करता है। उन्होंने आकर अदानी अंबानी टाटा बिरला से करते हैं, या रुश्वत लेते हैं, या ट्रांसफर में पैसे लेते हैं, या किसी ऐसा अलग अलग तरीके से लेते हैं, हम ऐसा नहीं, हम आम आवाम से लोगों से जाकर हमें चंदा लेते हैं, क्योंकि ये पार्टी किसका, अवाम का, ये पार्टी किसके लिए काम करता है, अवाम के लिए काम करता है, तो पैसा भी कौन देना, अवाम देना है। तो नवंबर महीने में इंशाल्लाह 1 महीने हमें हमारा फंड रेज चलाते हैं, घर घर तक जाते हैं, दुकान दुकान तक जाते हैं, इंशाल्लाह इसमें हमें अच्छी तरीके से फंड रेज करना, क्योंकि हम 1 साल हमारा पार्टी चलना है। हम मैंने बताया ना, अंबानी से टाटा से बिरला से जो दारू का व्यापार करती उनसे, इनसे सब हम पैसा नहीं लेते, हम आवाम से लेते, समझ में आया। तो इंशाल्लाह इसमें हर लीडर हर कैडर इन्वॉल्व होकर पैसा लेना। हमारे कैडरों से पूछता हूं मैं, पार्टी के क्या कुछ हिचकिचाट है तुम पैसे पूछने में, है क्या कैडर कुछ हिचकिचाट है क्या, भी नहीं ना, क्योंकि ये आपके घर के वास्ते पैसे नहीं पूछ रही, किसे पूछ रही, पार्टी को पूछ रही है। पार्टी किसका काम करती है, अवाम की करती है। खिदमत करते करते कितने लोग कोरोना में गुजर गए भाई, हमारा जका भाई का इंतकाल हुआ, अलग अलग साथियों का इंतकाल हुआ, खिदमत करते करते। परसों बागलकोट में गईब मुल्ला बोलकर एक नौजवान को बर्डर किया गया, हर तकलीफों में हम काम कर लेकर, तो कुछ हिचकिचाट नहीं रहना, हमें क्या करना, अवाम के पास जाना, फंड रेज पूछना।